फ्रेंड्स आई एम मणिकर सर और ये आपके लिए है M1 के लिए। देखो दोस्तों M1 के लिए 12th सिलेबस के M1 के लिए फर्स्ट चैप्टर मैथमेटिकल लॉजिक और ये स्पेशल पीरियड, ये है स्पेशल पीरियड फॉर कंपाउंड सेंटेंसेस यानी कंपाउंड स्टेटमेंट्स। देखो दोस्तों कंपाउंड सेंटेंसेस यानी कंपाउंड स्टेटमेंट्स क्या है दोस्तों, ये है तुम्हारे लिए। देख लो कंपाउंड सेंटेंसेस मीन्स क्या है यहाँ पर, कंपाउंड स्टेटमेंट्स एंड ट्रूथ टेबल्स। देख लो फ्रेंड्स ये है स्पेशल पीरियड फॉर यू कंपाउंड स्टेटमेंट्स। देख लो कंपाउंड स्टेटमेंट्स एंड ट्रूथ टेबल, देख लो ट्रूथ टेबल कंपाउंड स्टेटमेंट्स। यू नो फ्रेंड्स देयर आर नंबर ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट्स फॉर है ना इन केस ऑफ इंग्लिश, बट यहाँ पर हमें देख लो फॉर मैथमेटिकल लॉजिक के लिए कंपाउंड स्टेटमेंट्स मालूम है तुम्हें क्या है दोस्तों। देख लो कंपाउंड स्टेटमेंट्स सपोज पी एंड क्यू आर टू सिंपल स्टेटमेंट। देख लो दोस्तों पी एंड क्यू आर टू सिंपल स्टेटमेंट। देख लो फ्रेंड्स क्या ये पी एंड क्यू आर टू सिंपल स्टेटमेंट्स। देख लो टू सिंपल स्टेटमेंट्स, ये दो सिंपल स्टेटमेंट्स हैं हमारे पास। देख लो फिर कंपाउंड स्टेटमेंट देख लो दोस्तों क्या है ये, सपोज पी एंड क्यू आर टू सिंपल स्टेटमेंट्स, देन कंपाउंड स्टेटमेंट्स हमारे पास देख लो दोस्तों क्या है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ। यू नो क्या है दोस्तों ये कंजंक्शन है ना, पी कंजंक्शन क्यू, ये देख लो नोन एच, ये है नोन एच पी कंजंक्शन क्यू राइट, इट इज नोन एज कंजंक्शन दोस्तों, ये है कंजंक्शन पी कंजंक्शन क्यू। देन पी एंड क्यू यानी पी कंजंक्शन क्यू, पी और क्यू यानी पी डिसजंक्शन क्यू। देख लो फ्रेंड्स क्या ये पी डिसजंक्शन क्यू, ये डिसजंक्शन है। देन पी इम्प्लीकेशन क्यू, इफ पी देन क्यू यानी पी इम्प्लीकेशन क्यू, ये है दोस्तों इम्प्लीकेशन। देख लो फ्रेंड्स क्या ये पी सिंगल एरो यानी व्हाट, इफ पी देन क्यू, इफ फर्स्ट सेंटेंस देन सेकंड सेंटेंस यानी पी इम्प्लीकेशन क्यू। देन यहां पर देख लो दोस्तों क्या ये पी डबल इम्प्लीकेशन क्यू, क्या ये पी डबल इम्प्लीकेशन क्यू यानी व्हाट, देख लो पी डबल इम्प्लीकेशन क्यू, हाँ पी डबल इम्प्लीकेशन क्यू यानी इफ एंड ओनली इफ के लिए। देन दोस्तों देख लो ये निगेशन ऑफ पी, ओनली निगेशन इज यूज फॉर ओनली सिंगल सिंपल सेंटेंस। देख लो ये जो निगेशन है दोस्तों इट इज यूज ओनली फॉर सिंगल स्टेटमेंट एंड निगेशन ऑफ पी, ये है निगेशन। देख लो दोस्तों ये है निगेशन, ये निगेशन ऑफ पी है, निगेशन ऑफ पी यानी निगेशन है। देख लो दोस्तों देयर आर दीज टाइप्स ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट्स इन लॉजिक। देख लो फ्रेंड्स दिस ये जो टेबल है बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कंपाउंड स्टेटमेंट्स क्या है, सपोज हमारे पास पी एंड क्यू आर टू सिंपल स्टेटमेंट्स है, क्या है पी एंड क्यू आर टू सिंपल स्टेटमेंट्स। देन देख लो दोस्तों कंपाउंड स्टेटमेंट्स यानी व्हाट, फर्स्ट वन पी एंड क्यू यानी पी कंजंक्शन क्यू, इट इज नोन एज कंजंक्शन, पी आर क्यू यानी पी डिसजंक्शन क्यू, पी इम्प्लीकेशन क्यू, पी इम्प्लीकेशन क्यू ये इम्प्लीकेशन है, पी डबल इम्प्लीकेशन क्यू, पी डबल इम्प्लीकेशन क्यू ये निगेशन ऑफ पी, ये है निगेशन ऑफ पी दोस्तों। देख लो तो ये है कंपाउंड स्टेटमेंट। देन ट्रूथ टेबल देख लो दोस्तों, ट्रूथ टेबल मोस्ट आईएमपी टेबल फॉर यू दोस्तों। देख लो ट्रूथ टेबल फॉर ऑल ऑफ दीज, देख लो फ्रेंड्स क्या है ये, यू नो एट स्टेटमेंट रहा
ओनली वन स्टेटमेंट है तो मे बी ट्रू और मे बी फॉल्स, है ना। एक स्टेटमेंट के लिए पॉसिबल रिजल्ट कितने हमारे पास, दो है, है ना। एक कॉइन टॉस करो, यू विल गेट हेड और टेल, है ना। एक क्वेश्चन, उसका आंसर में भी कैसा होता है, यस, है ना, ट्रू फॉल्स के लिए, ट्रू और फॉल्स, है ना। यानी फॉर एनी सिंगल स्टेटमेंट वी हैव टू रिजल्ट, एक तो ट्रू है या तो फिर फॉल्स। तो सिमिलरली देर आर टू सिंपल स्टेटमेंट, देख लो दोस्तों, पी क्यू, हाँ यहाँ पर देख लो क्या है, टू सिंगल स्टेटमेंट है पी क्यू, हाँ देख लो सी पी एंड क्यू, ये पी एंड क्यू, पी कंजंक्शन क्यू, देन पी और क्यू, क्या है दोस्तों, ये पी और क्यू कंपाउंड स्टेटमेंट हमारे पास है ना, ये कंजंक्शन डिजंक्शन इम्प्लीकेशन और डबल इम्प्लीकेशन। दोस्तों देखो क्या ये है, पी इम्प्लीकेशन क्यू, देन पी डबल इम्प्लीकेशन क्यू, हाँ देख लो फ्रेंड्स, ये है कंपाउंड सेंटेंसेस, कंपाउंड स्टेटमेंट्स। फॉर ये कंपाउंड स्टेटमेंट्स है लॉजिक के लिए, सपोज हमारे पास पी एंड क्यू, पी एंड क्यू आर टू सिंपल स्टेटमेंट्स है, देन कंपाउंड स्टेटमेंट्स आर ऑफ दिस टाइप्स। ये है कंपाउंड स्टेटमेंट्स ओनली फॉर निगेशन, ओनली फॉर निगेशन, हियर ओनली सिंगल स्टेटमेंट इज यूज। हाँ देख लो दोस्तों क्या ये, हाँ देख लो यहाँ पर, फिर अगर हमारे पास एक सिंगल स्टेटमेंट है तो दो रिजल्ट है, ट्रू फॉल्स, है ना। इन दिस वे सपोज हमारे पास दो रिजल्ट है ना, यू नो वेरी वेल, टू ट्वाइस आर टॉस्ड, यानी पॉसिबल रिजल्ट मालूम है ना, दो कॉइन टॉस करने पर क्या है दोस्तों, एच एच, है ना, देन एच टी, क्या होता है टी एच, यू नो प्रोबेबिलिटी फॉर नाइन्थ और टेंथ क्लास के लिए, देन टी टी, क्या है ये रिजल्ट, कितने हैं दोस्तों, 1, 2, 3, 4 रिजल्ट है। इन दिस वे सपोज हमारे पास टू सिंपल स्टेटमेंट्स है, रिजल्ट देख लो क्या है, ये टी टी बोथ आर ट्रू, टी एफ सपोज फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स, देन एफ टी फर्स्ट फॉल्स सेकंड ट्रू, देन एफ एफ, देख लो दोस्तों ये है फॉर टू सिंपल स्टेटमेंट्स के लिए ये पॉसिबल रिजल्ट। अब ये रूल्स देख लो, ट्रूथ टेबल यानी रूल से दोस्तों यू हैव टू अप्लाई फॉर सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम्स, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखो मैं डायरेक्टली आपके लिए रूल्स बता रहा हूं, हाँ पूरा पूरे कंपाउंड सेंटेंसेस एक साथ दोस्तों देख लो। कंजंक्शन, फॉर कंजंक्शन के लिए बोथ सिंपल स्टेटमेंट मस्ट बी ट्रू, अगर दोनों ट्रू है तो टी, क्या है फॉर कंजंक्शन के लिए दोस्तों, फॉर कंजंक्शन के लिए पी एंड क्यू के लिए सपोज बोथ, यहाँ पर बोथ स्टेटमेंट ट्रू है यानी रिजल्ट विल बी टी, अदरवाइज फॉल्स। देख लो फ्रेंड्स क्या है, फॉर कंजंक्शन के लिए बोथ टी है, देन यू विल गेट टी, रेस्ट ऑफ ऑल फॉल्स। अब डिजंक्शन आर के लिए, डिजंक्शन के लिए दोस्तों ओनली एफ एफ, लास्ट वन ओनली एफ एफ के लिए यस, देख लो फ्रेंड्स डिजंक्शन के लिए क्या है, ओनली एफ एफ के लिए यस, बाकी सारे टी, ये रूल्स है दोस्तों, यू हैव टू अप्लाई एज इट इज, क्या है देख लो फिर से, कंजंक्शन के लिए ओनली टी, टी के लिए टी, बाकी सारे फॉल्स, रेस्ट ऑफ ऑल फॉल्स। डिजंक्शन के लिए दोस्तों ओनली एफ एफ के लिए यस, डिजंक्शन के लिए क्या है ओनली एफ एफ के लिए यस, रेस्ट ऑफ ऑल टी। अब ये इम्प्लीकेशन दोस्तों, इम्प्लीकेशन के लिए देख लो, इम्प्लीकेशन यानी वॉट टी एफ, इम्प्लीकेशन के लिए टी एफ के लिए यस फ्रेंड्स, देख लो फर्स्ट टी सेकंड एफ, टी एफ के लिए कंपल्सरी एफ, रेस्ट ऑफ ऑल टी। हाँ देख लो फ्रेंड्स इम्प्लीकेशन के लिए क्या है टी एफ, पहला स्टेटमेंट टी यानी ट्रू होना, दूसरा स्टेटमेंट एफ यानी फॉल्स होना, देन रिजल्ट क्या है एफ, रेस्ट ऑफ ऑल ये टी। देन डबल इम्प्लीकेशन के लिए दोस्तों, डबल इम्प्लीकेशन के लिए सेम सेम के लिए टी यानी टी टी के लिए दोस्तों टी, एफ एफ के लिए क्या है टी, सेम सेम के लिए टी, टी टी यहां पर टी मिलेगा, एफ एफ यहां पर टी मिलेगा, रेस्ट ऑफ ऑल क्या है दोस्तों एफ। तो ये है हमारे लिए कंपाउंड स्टेटमेंट्स के लिए ट्रू
ट्रुथ टेबल दोस्तों, ये कंपाउंड स्टेटमेंट्स के लिए ये फर्स्ट कंजंक्शन, सेकंड डिजंक्शन, थर्ड वन इंप्लीकेशन और ये लास्ट वन क्या है, डबल इंप्लीकेशन। देन दोस्तों निकेशन के लिए देख लो आप, लास्ट एक छोटा सा चार्ट देख लो दोस्तों, क्या है ये टी, उसका निकेशन निकेशन ऑफ टी देख लो दोस्तों, क्या है ये, हाँ क्या है मेरे पास पी, निगेशन ऑफ पी देख लो, पी ये टी है दोस्तों, टी पी के लिए है, ये टी के लिए देख लो दोस्तों, पी निगेशन पी यानी टी रहा तो निगेशन यस यानी फॉल्स, और फॉल्स स्टेटमेंट रहा तो निगेशन टी, क्या है दोस्तों देख लो, ये ट्रू स्टेटमेंट है तो निगेशन फॉल्स, और फॉल्स स्टेटमेंट है तो निगेशन ट्रू। तो ये है हमारे लिए स्पेशल पीरियड स्पेशली फॉर यू, देख लो दोस्तों पूरे चैप्टर के लिए ये बेस है, ये इंपॉर्टेंट है, कंजंक्शन, ये डिजंक्शन, ये इम्प्लीकेशन, डबल इम्प्लीकेशन और निगेशन, ये ट्रुथ टेबल के लिए क्या है दोस्तों, कंजंक्शन के लिए ओनली फॉर टीटी के लिए टी है, ओनली फॉर टीटी के लिए टी, देख लो फ्रेंड्स टीटी के लिए टी है, टीटी के लिए टी, बाकी सारे फॉल्स। देन डिजंक्शन के लिए दोस्तों, डिजंक्शन के लिए ओनली एफ एफ के लिए एफ है, ओनली एफ एफ के लिए एफ, रेस्ट ऑफ ऑल टी। हाँ देन इम्प्लीकेशन के लिए दोस्तों ये याद रखो क्या है, ओनली टी एफ के लिए एफ, क्या है ओनली टी एफ के लिए एफ, रेस्ट ऑफ ऑल टी। देन डबल इम्प्लीकेशन के लिए दोस्तों, डबल इम्प्लीकेशन यानी और सेम सेम, ये सेम सेम के लिए टी, क्या ये एफ एफ के लिए टी और टी टी के लिए टी, बाकी सारे फॉल्स। देन निगेशन के लिए टी का निगेशन, ये पी और निगेशन, टी रहा तो निगेशन एफ और एफ रहा तो निगेशन टी, ये स्पेशल पीरियड फॉर यू दोस्तों। ये जो वीडियो है इसके लिए लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना कभी भी मत भूलो। तो ये है तुम्हारे लिए स्पेशल पीरियड फॉर मैथमेटिकल लॉजिक। थैंक यू।